Students, we can also represent the accelerated motion of an object by velocity time graph. This is a velocity time graph for a car moving with uniform acceleration. A car is moving with uniform acceleration. By this graph, we can show. Here, time is increasing. Time is in second and velocity is kilometer per hour. An object is at rest position and after 5 seconds, its velocity becomes 10 kilometer per hour. And after 5 seconds, its velocity increases by 10 kilometer per hour. That means after 10 seconds from initial position, its velocity becomes 20 kilometer per hour. Here we are seeing that velocity is not constant. Velocity is changing with uniform rate, and that rate is equals to 10 kilometer per hour. Velocity of car is increasing with 10 kilometer per hour, with the rate of 10 kilometer per hour as time passes. जैसे जैसे समय बीतता है इसका velocity क्या होता है, increase करते जाता है. इसका मतलब यहाँ पे क्या है, acceleration है. कार का जो मोशन है वो क्या है, एक्सेलरेटेड है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इस तरह से हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि किसी भी वस्तु का, कोई भी कार हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जो एक्सेलरेटेड हो, जिसका मोशन एक्सेलरेटेड हो, तो उसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं. टाइम को हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिप्रेजेंट करेंगे और वेलोसिटी को वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिप्रेजेंट करेंगे. और यहाँ पे हम देख रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है. सो फॉर ऑल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन. सो इट इज रिटन हियर लाइन, इट इज लाइन. सभी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा. जबकि इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स कैन हैव एनी शेप. नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी भी शेप का हो सकता है. स्टूडेंट्स, हियर अ कार इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1. यहाँ पे एक कार जो है एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो उसके द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस क्या है वो हम कैसे फाइंड आउट करें, कैसे करेंगे फाइंड आउट. स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने ये जाना है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी we can find the distance traveled by an object and which is equals to area enclosed by velocity time graph and time line. Uniform velocity के लिए जो distance होता है वो किसके equal होता है, velocity time graph के द्वारा और time line के द्वारा इंक्लोज किए गए एरिया के बराबर होता है. यानी अगर कोई वस्तु यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, उसका एरिया क्या हो जाएगा, ए डी सी बी. बट यहां पे वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, यहां पे क्या है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है. सिंस वेलोसिटी इज चेंजिंग ड्यू टू एक्सेलरेशन, सो the distance as traveled by the car or any object will be equal to the area ABCD under the velocity time graph. इस graph के लिए area क्या हो जाएगा, मतलब इस graph के लिए जो distance होगा जो car के द्वारा travel किया जा रहा है वो distance किसके equal हो जाएगा, ABCDE के बराबर हो जाएगा. तो यहाँ पे जो S है
वो एरिया ए बी सी डी ई के इक्वल होगा, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए डी ई। तो जो ए बी सी डी हम यहाँ पे देख सकते हैं, ए बी सी डी का, ए बी सी डी ई का एरिया निकालने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ए बी सी डी ये एक रेक्टेंगल है और ऊपर में एक क्या है ट्राइंगल है जो ए डी ई है। तो ए बी सी डी ई का एरिया, एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ए डी ई के इक्वल होगा, और इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, ए बी इंटू बी सी होगा। ये ए बी इंटू बी सी, बी सी क्या है टाइम इंटरवल है टी टू माइनस टी वन, ठीक है, और ए बी क्या शो करता है वेलोसिटी को शो करता है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा ए डी ई, ए डी ई एक ट्राइंगल है उसका एरिया, क्योंकि हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे बेस क्या है एडी, और एडी किसके इक्वल होगा बीसी के, और ये किसके इक्वल है टाइम इंटरवल के टी टू माइनस टी वन के, और यहाँ पे फिर डीई है, और डीई क्या रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी इक्वल टू वन बाय टू एडी इंटू डीई। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं ए बी क्या है, ए बी जो है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर डीई जो है वो भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि बीसी और एडी क्या है टाइम इंटरवल है जो टी टू माइनस टी वन है। तो इस तरह से अगर कोई वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो उसके द्वारा कवर किए गए डिस्टेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी ई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने ये जाना है कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी भी शेप का हो सकता है, जबकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन होता है, जो इस ग्राफ में हम देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये जो डायग्राम है वो क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और एक वस्तु जो क्या है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है उसका ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा हम देख सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है समय के अनुसार डिक्रीज कर रहा है, रिटार्डेशन में है। और इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहां पे जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म वे में वेरिएशन हो रहा है, इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है वैरी कर रही है। तो वो क्या हो रहा है कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, इस डायग्राम के द्वारा हम देख सकते हैं ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं डायग्राम को देखकर बता सकते हैं कि कोई वस्तु जो है किसी वस्तु का जो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है या एक्सेलरेशन वैरी कर रहा है।